हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एजे। सो गाइस आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करूंगा हीट यूजर पवन की एकदम लेटेस्ट ट्रैक पे जिसका नेम है रन अप। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सॉन्ग, देखते हैं कैसा है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी आपके फेवरेट सॉन्ग पे मैं रिएक्ट करूँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फॉर श्योर नेक्स्ट रिएक्शन उसी सॉन्ग पे होगा। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। ओह सिमरनजीत, सिमरनजीत पटवारी है ना उनके पीछे, हीट व्यूज के पीछे। पता नहीं यार, पता नहीं चल रहा। ओए होए ओए होए, फन भाई स्टार्ट जो करा है ना भाई, बहुत क्रेजी हो गया है। बहुत मतलब कैची नहीं है कि इतनी इजीली आ जाए टंग पे इतनी जल्दी, लेकिन हाँ, लेकिन जो हुक का फ्लो जो है ना स्टार्टिंग है, जो सॉन्ग की स्टार्टिंग है, बहुत अमेजिंग लगी मेरे को भाई, मजा आ गया। ये भाई क्या पहली बार तो क्या पहले राइमिंग बिठाई है, दो मिनट सुनाता एक बार ड्राको वाली। ओए ओए वो जो बोला लाके पिंडा वाले रख दे ड्राको, सुन लो जवाको, भाई मस्त है। ड्राको को पहले भी वर्ड शायद गन होती है, कोई पिस्टल होती है, मैं श्योर नहीं हूँ, कोई वेपन ही होता है इतना तो मैं श्योर हूँ। जब ओ बिग बॉय डीप है ये, वाह मतलब अच्छा, वाह बिग बॉय डीप है ना ये, मैं श्योर नहीं हूँ, बस समझ जा रहा हूँ मैं पहचान नहीं पा रहा है इन्हें, मेरे को लगता बिग बॉय डीप रहे और ये तो सिमरनजीत है। मेरे को ये गन नहीं है ग्रीन लेजर वाली, ये जो ग्रीन लेजर वाली गन नहीं है, इसको देख के ना मेरे को अपना मतलब चाइल्डहुड याद आ गया। जैसे बचपन में वो छर्रे वाली गन होती है ना, तो यार वो बहुत यूज करी है, तो छर्रे वाली गन ऐसी थी एक, उसके उसमें भी ऐसे लेजर थी, मेरे को नहीं पता ये रियल गन है कि या फिर टॉय गन है, बट हाँ मेरे को अपना चाइल्डहुड रिकॉल मतलब रिकॉल कर लिया कि मेरे पास भी ऐसी छर्रे वाली गन होती थी, मैं उससे पूरे दिन ना ऐसी मजे लेता रहता था लेजर वाली से, याद आ गया यार, नॉस्टैल्जिक, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक। आए है पवन का है। ओ ये जो बीट नहीं है, दो मिनट ड्रम्स वाली। भाई जो बीट है ना ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने किसी सॉन्ग में सुन रखी है, मेरे को म्यूजिक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि मेरे को नहीं पता बीट्स रिपीट हो जाती है तो ये नॉर्मल थिंग है बीट्स रिपीट होना, आई डोंट नो, बट हाँ मैंने ये निप्सी असल का एक सॉन्ग है लास्ट टाइम आई चेक्ड, उस सॉन्ग में शायद सेम ऐसी एक बीट है इंट्रो में, हाँ मैं श्योर हूँ, मैं श्योर उस चीज़ को लेकर। अब मेरे को नहीं पता ये चीज़ कॉमन है ऐसे बीट्स का यूज़ होना या फिर आई डोंट नो। हथ तेरा राणी नहीं छड़दी शहर तेरा कर दे रन ग्लॉक गड्डी विच पिया कर फन गुलामी रंग वारिए ओहो विसिंग्स
फन बता अमीरंग और ये फुल चिल कर रहे हैं अपना पूरा मजे में वीडियो शूट कर रखे हैं इन्होंने चिल होता है पूरा ये चीज सही लगती है मेरे को तो बात करते हैं कि मेरे को कैसा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए मतलब जो सॉन्ग था यार बहुत क्रेजी था जो स्टार्टिंग हुई थी ना सॉन्ग की बहुत सही स्टार्टिंग थी यार मजा आ गया था उनका पूरा वर्स था ना वो स्पेशली वो ड्राको और वो जवाको वाली राइमिंग थी मेरे को बहुत बहुत सही लगी वो वाली और पवन पवन के वर्स में भी जिस तरह वो अपने बता रहे थे कि कैश की टेंशन मत ले जो बैग लेना है ले फुल ऐश कर डोंट गिव अ फक जस्ट चिल वो चीज मेरे को मतलब सॉन्ग बहुत क्रेजी था मतलब जो उसके लिरिक्स थे बहुत फुल वाइब वाले थे और मेरे को लगा था क्योंकि यार मैं ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता यार कि उसको पता नहीं चलता कब वो इंग्लिश है कब पंजाबी में आ जाए तो मैंने सीरियसली जीरो एक्सपेक्टेशंस थी सॉन्ग से कि पंजाबी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा बट हाँ मैं इस चीज़ का श्योर था कि डोप होगा सॉन्ग बहुत डोप होगा लिटरली अब तो ये सॉन्ग ना लूप पे बजने वाला है मतलब लिटरली अब तो लूप पे ये सॉन्ग बहुत चलेगा क्योंकि मजा आ गया सॉन्ग को सुन के लिटरली बहुत सही सॉन्ग है जो क्वालिटी है ना मतलब वीडियो की वो भी मतलब वीडियो की क्वालिटी बहुत सही है जो शॉट्स जो सीन शॉट कर रखे हैं बहुत ब्यूटीफुली बहुत मस्त तरीके से पूरी फील में करे हैं बस मेरे को ना ये वीडियो में एक चीज़ अच्छी नहीं लगी मतलब जो वीडियो की कलर ग्रेडिंग है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है कलर ग्रेडिंग मतलब मेरे को लग रहा है कलर करेक्शन बिल्कुल नहीं कर रखा थोड़ा कलर ग्रेडिंग पे यार ध्यान नहीं दे रखा मेरे को ऐसा लग रहा है मे बी हाँ यार मे बी क्या मेरे को तो यही लग रहा है अगर आप सबको भी यही लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना बाकी देखा जाए तो उसके अलावा वीडियो बहुत डोप थी सॉन्ग बहुत मस्त था और लिटरली ये सॉन्ग तो लूप पे बजने वाला है मज़ा आ गया इसके व्यूज कितने सॉन्ग के 3000 यार व्यूज तो बहुत कम है लिटरली ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा व्यूज डिजर्व करता है इससे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों अच्छा हाँ मैंने इनका पोस्ट देखा था कि ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है इसलिए यार इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का ही होता है उनको थोड़ी स्टार्टिंग में जब वो करियर की स्टार्ट में होते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें रीच कम मिलती है तो इसलिए उनके व्यूज भी इतने हाई नहीं जाते जो लेवल से होते हैं जो लेवल्स पर सॉन्ग्स डालते हैं उनकी रीच हाई होती है इसलिए वाहियत से ट्रैक्स भी मतलब चले जाते हैं मिलियंस में बट कीट व्यूजर्स हैं फक द मिडल मैन अपने इंडिपेंडेंट लेवल अपने सॉन्ग्स निकाल रहे हैं वो चीज़ मेरे को बहुत सही लगी में टफ हुआ बट इवेंचुअली बहुत बैन हुआ है सो बेस्ट विशेस टू एंड हिज फुल क्रू सो गाइस रिएक्शन इतना ही था आप बताना कि आपको रिएक्शन कैसा था कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर चाहते हैं कि मैं किसी और सॉन्ग पे रिएक्ट करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फॉर श्योर नेक्स्ट रिएक्शन भी सॉन्ग होगा तो बाय बाय।